और फ्रेंड्स मैं आपको आरती भी दिखाऊंगा, क्योंकि हमने यही सोचा था कि आपको भी दर्शन कराएंगे आरती के। पुरानी करेंसी, वाओ। आज मैं आ रहा हूँ, डेवलप हो गया, बहुत डेवलप हो गया यार सच में, और अच्छा लग रहा है यार देख के। ये देखो इतने सारे हुए हैं। सनी तेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है भाई? तो एक नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो चले अब घर की तरफ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा हम हरिद्वार आए थे, तो आज है सेकंड डे और आज शाम के अभी बज रहे हैं साढ़े पाँच। क्योंकि सुबह मैं इसीलिए व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, क्योंकि कल मैंने रात को कुछ ज़्यादा ही गलत मलत खा लिया, तो उसके कारण मेरा पेट खराब हो गया। तो इसीलिए अब हम शाम को शुरू कर रहे हैं ये व्लॉग, और अब हम जा रहे हैं माता रानी के यानी कि हर की पौड़ी के दर्शन करने, और आपको भी करवाता हूँ। तो चलो चलते हैं और दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों हम यहाँ रुके थे, ये है होटल पाइनएकल जहाँ पे हमने स्टे किया है। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं भीमगोड़ा चौक पे, जो कि हमारे होटल से कुछ ही दूरी पे था। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं भीमगोड़ा चौक से आगे, और अभी हम पैदल चल रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ और चलते जा रहे हैं। नज़ारे आपको देख ही लिए होंगे अपने नज़ारे, तो बस हम चलते जा रहे हैं और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ का देख के, क्योंकि यहाँ पे अब जैसे गर्मी वगैरह तो नहीं लग रही है, मौसम नॉर्मल है। क्यों भाजी ऐसा तो नहीं है ना? यहाँ से बंदर का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, फोन खेल लेते हैं आगे। हाँ तो थोड़ा सा ये भी बच बचा के करना पड़ रहा है काम। ये बात तो सही है, क्योंकि यार गाइस यहाँ पर बंदर बहुत है, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। हाँ देखो फ्रेंड्स, ये है सामने महाकाली माता जी का मंदिर, यहाँ का प्राचीन मंदिर है ये। तो अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जो कि आपने पिछले व्लॉग में देखी थी, जो कि मैंने आपको रात को दिखाई थी। पहले हम पुल के उस साइड थे और अब हम इस साइड हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह कहाँ से हमने वो वीडियो बनाई थी। देखो यार, कल हम थे यहाँ पर और अब हम हैं गंगा मैया के बिल्कुल फ्रंट पर, और आप देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है यार। मतलब यहाँ से इतनी शांति मिल रही है ना गाइस, देखकर ऐसा लग रहा है मतलब तृप्ति होगी यार सच में। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो पहली बार का है यहाँ आने का। गाइस देख सकते हो आप कि वो जो एरिया है उसको हर की पौड़ी कहते हैं, और वहाँ पे देखो क्राउड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वो आरती का जो प्रोसेस है वो अभी शुरू हो चुका है, तो ये कम्प्लीट तकरीबन 6:30 के आसपास होगा, और लोगों का जमावला देखो कैसे बढ़ रहा है। हर बंदा चाहता है कि जब आरती हो तो इसको वो लाइव देखे, इसको लाइव देखने का अपना ही मज़ा है। तो माँ गंगा की आरती होती है तो एक अलग सी ऊर्जा बन जाती है। सही बात है यार, अलग सा ही दिखता है वो, अलग सी शरीर में एक ऊर्जा सी उत्पन्न होती है, वो जीव भटकी हुई आत्माएं होती हैं, मुक्ति नहीं मिलती। तो यही वो द्वार है, यहाँ पे हर एक इंसान जो मरने के बाद जिनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तो यहाँ पे उनका जब क्रियाकर्म या उनका वो जो आखिरी संस्कार भी अगर किया जाता है तो यहीं पर ही, तो यही वो जगह है यहाँ पे उसको मुक्ति प्रदान होती है। हाँ। तो इस जगह को हम ना केवल एक ट्रैवलिंग पॉइंट समझे या टूरिस्ट पॉइंट समझे, ये हमारा एक बहुत ही धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल जिसको हम बहुत ही आदर से और बड़े प्यार से श्रद्धा से देखने की कोशिश करेंगे। सही बात है, और फ्रेंड्स मैं आपको आरती भी दिखाऊंगा, क्योंकि हमने यही सोचा था कि आपको भी दर्शन कराएंगे आरती के और ख़ुद भी करेंगे, तो हम पहले ही आ चुके हैं। अभी आरती ऑलमोस्ट मतलब बाजी तैयार होने वाली है ना, स्टार्ट होने वाली है। तो ये देखो फ्रेंड्स, पुरानी करेंसी, वाओ, 1918 का है, देख रहे हो फ्रेंड्स। ये अपने भारत का है। अच्छा, ये भारत का है, ये जब देश आज़ाद हुआ था तब का है, 1952, देख रहे हो फ्रेंड्स। ठीक है, सपोज करो अगर आप ये लेना हो
अच्छा ये 20 रुपए का पड़ेगा फ्रेंड्स आपको, ये जो मैंने अभी उठाया था ना, ये जस्ट यहाँ से नीचे उतर के और यहाँ पर भैया बैठे हैं, यहाँ से आके आप ले सकते हो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स हम जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं ना यार, और ज़्यादा अच्छा लगता जा रहा है, क्योंकि मैं बचपन में आया था, मुझे बहुत थोड़ा सा याद है भाजी, तो बट आज मैं आ रहा हूँ, डेवलप हो गया, बहुत डेवलप हो गया यार सच में, और अच्छा लग रहा है यार देख के। पहले आए हुए हो आप यहाँ पर? 7-8 बार। 7-8 बार? ओह माय गॉड, देख लो। और जब भी आओ हर बार एक नया ही चाम होता है। हाँ सही बात है, खुशी मिलती है, सही बात है, सही। जय माँ गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे हर हर गंगे। संकल्प लेते हैं पवित्र पावनी माँ गंगा के जल की पवित्रता और निर्मलता बनाए रखने की, गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। गंगे माते की जय। जी हम आ चुके हैं आरती देख के, आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। और अब हम मार्केट में घूम रहे हैं, तो कुछ खाएंगे पहले और फिर डिनर करेंगे। भीड़ भी बहुत है यार यहाँ पर, क्योंकि अभी आरती ख़त्म हुई है जस्ट, और भीड़ बहुत है, तो अभी चलते जा रहे हैं। आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहाँ पे है हमारे शिव जी महाराज और यहाँ पे है चंद्रमा। यार कितना अच्छा सीन था ना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने कहा कैप्चर करूँ और आपको भी दिखाऊँ। वही भैया के पास आया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें बहुत सारे टॉय दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो आरव के लिए एक टॉय देख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको कौन सा अच्छा लग रहा है कमेंट में बताना। ये देखो इतने सारे हुए हैं। सनी तेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है भाई? फ्रेंड्स हमने ये वाला लॉक किया है, ठीक है सनी, ये ले रहे हैं हम। खाना हमने ले लिया, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, और हमने सारे स्नैक्स वगैरह और हमने शॉपिंग कर ली है, तो चले अब घर की तरफ, तो फिर दिखाता हूँ आपको। चलो चले भाई, चलो चलो जी बाय। तो जी हम घर पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स, और थक भी बहुत गए हैं। भाजी आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, ये बताओ मेरे को। मेरा तो ऑलवेज यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं फ्रेंड्स बता दूँ, ये जो भी सारा प्लान था, ये था तो मेरा घूमने का, बट जो यहाँ का डेस्टिनेशन थी वो पाजी ने डिसाइड की थी। सिलेक्शन ऑफ डेस्टिनेशन, यस। तो हमने कहा कि चलो, पाजी ने एक बार कहा कि चलते हैं हरिद्वार, तो हम आ गए। और आज का जो सीन है, मेरे को तो देख के दर्शन करके गंगा मैया के बहुत ही ज़्यादा यार अच्छा लगा। सनी कैसा लगा यार तेरा भी एक्सपीरियंस? अच्छा लगा सही में यार, बहुत अच्छा था। आपको भी फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा, आई नो आपने भी देखा, मैंने सारा अपनी तरफ से तो कैप्चर करने की मैंने पूरी कोशिश की है, बाकी आप बताना आपको कैसा लगा। अब हम बस सब डिनर करेंगे, फिर हम सोते हैं, फिर कल का देखते हैं क्या प्रोग्राम है। तो क्योंकि हम ऋषिकेश अभी गए नहीं हैं, अभी हमें पता नहीं है कल का क्या प्रोग्राम है, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी बज रहे हैं दिन के 1:18, तो अब हम सोने लगे हैं। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।
दोस्तों यहाँ पर हम रुके थे, ये था हमारा होटल पैनल पकेट